अस्सलाम वालेकुम, ए न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदफ अली खान। सबसे पहले मुलाहिज़ा कीजिए हेडलाइंस। लाहौर की मॉल रोड पर पिंडाल सज गया, ताहिर-उल-क़ादरी का काफिला नासिर बाग की जानिब रवाना। कहते हैं कि मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए आर्टिकल 62-63 नाफिज करना होगी, बेगुनाहों के खून का हिसाब लेंगे, आप भी जलसे में शामिल। इमरान खान को सड़कें नापने के ताने देने वाले खुद भी अब सड़कों पर आ गए, तमाम सरकारी वसाइल मिशन जीटी रोड पर लगा दिए हैं। तहरीक इंसाफ के रानुमा बाबर आवान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगु। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को खत, मतन में कहा गया है कि इमरान खान पार्लियामानी कमेटी को मुस्तरद कर चुके हैं, सियासी मुखालिफिन खुद गवाह और खुद मुनसिफ नहीं हो सकते। मुल्तान में पसंद की शादी करने पर भाई ने अदालत के अहाते में फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया, बहनोई और वकील जख्मी। नवाब शाह के करीब कौमी शाहरा पर बस की रिक्शे को टक्कर, 5 अफराद जाबहक हो गए। लाहौर की बंद रोड पर धमाके का मुकदमा, इंस्पेक्टर नासिर बेग की मुदैयत में थाना सीसीटीवी में दर्ज, कत्ल इकदाम कत्ल और दहशतगर्दी की तफात शामिल। और मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, मजीद 5 कश्मीरी शहरी शहीद हो गए। मुल्क की सियासत में एक बार फिर हलचल, अवामी तहरीक के सरबरा लाहौर पहुंच गए। डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी ने मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए आर्टिकल 62-63 को नागजीर करार देते हुए कहा है कि बेगुनाहों के खून का हिसाब लेंगे, जीटी रोड पार्टी जीटी रोड में ही दफन होगी। लाहौर एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब में ताहिर-उल-क़ादरी ने कहा कि 4 साल बाद आर्टिकल 62 को जुबान मिल गई है और अब इंसाफ मिलने का इम्कान भी रोशन हो गया है। मॉडल टाउन के शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। इससे कबल वतन वापसी पर डॉक्टर ताहिर-उल-क़ादरी का शानदार इस्तकबाल किया गया, कारकुनों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और अपने कायद के हक में खूब नारेबाजी की। ताहिर-उल-क़ादरी का काफिला नासिर बाग की जानिब गामसन है, जहां वो आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को खत लिखकर आयशा गुलाले के मामले पर कायम पार्लियामानी कमेटी पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। खत चीनी मजारी की जानब से तहरीर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई पार्लियामानी कमेटी को मुस्तरद कर चुके हैं। खत में कहा गया है कि सियासी मुखालिफिन खुद गवाह और खुद मुनसिफ नहीं हो सकते, ऐसी जानबदार कमेटी से अच्छी रिवायत कायम नहीं होगी। खत में बरतानवी पार्लियामेंट की तर्ज पर गैर जानबदार पार्लियामानी कमिश्नर को तैनात करने का भी मुतालबा किया गया है। लाहौर मुल्तान और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मसीहाओं के दिल 8वें रोज भी नर्म नहीं पड़े और यंग डॉक्टर्स हठधर्मी से हड़ताल जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से मरीज खार होकर रह गए हैं। यंग डॉक्टर्स ने सुधरने के बजाय हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। यंग डॉक्टर्स ने पंजाब हुकूमत को जुमेरात की सपहर 3 बजे तक मुतालबात मानने की डेडलाइन दी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पताल की ओपीडीज मुसलसल 8वें रोज तक बंद हैं, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद तरीन मुश्किल दरपेश हैं। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। अब तक 70 के करीब डॉक्टर्स को उनकी नौकरियों से बरतरफ किया जा चुका है और नए डॉक्टर्स यंग डॉक्टर्स की जगह ड्यूटियां संभाल रहे हैं। ए न्यूज से फिल वक्त इतना ही, मजीद बाखबर रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए atv.com.pk पर। देखते रहिए ए न्यूज।